गाइस ये देखो कितने सारे हस्की। चिकन हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नई कमाल धमाल वीडियो में। दोस्तों आज मैं एक ऐसे चैनल पे आ चुका हूँ जो कि डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ हस्कीज के लिए दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे प्यारे प्यारे हस्कीज के पपीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और दोस्तों जिस चैनल पर मैं आया हूँ ना, ऐसा चैनल आपको पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। और इस चैनल के जो ओनर है उनसे भी आपको आगे मिलाऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको आगे। तो दोस्तों फाइनली मैं चैनल की लोकेशन पर आ चुका हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना खूबसूरत सा एरिया है और बहुत ही अच्छा चैनल सर ने बनाया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो सर ने यहाँ पर है ना एक प्रॉपर ऑफिस भी बनाया। सर ये जो डॉग ब्रीडिंग का बिज़नेस करते हैं वो एज अ हॉबी के लिए करते हैं। मेनली उनका जो बिज़नेस एज कंस्ट्रक्शन का है। तो अभी ऑफिस के अंदर चलते हैं और सर से मिलते हैं। चलो दोस्तों, ये है कैनल के ओनर मिस्टर तुकाराम सुर्वे और इनके पास दोस्तों बहुत सारे डॉग्स है और इन सभी को उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला है और उनको है ना हर एक फैसिलिटी उन्होंने इस कैनल पर प्रोवाइड की है। और दोस्तों ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हस्की कैनल है जो कि पुणे में है। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपको ये डॉग का शौक कैसे लगा? ऐसे घर पे दो डॉग थे मेरे, दो के चार हो गए, चार के पांच हो गए, घर पे जगह नहीं थी उसके लिए। इधर पिताजी की खेती है हमारी, तो इधर थोड़ा बांध के डॉग इधर रखने के हिसाब से मैंने कैनल बनाने का सोचा और वो बड़ा हो गया। फिर मैंने अलग अलग ब्रीड चॉइस की, पहले दो अलग अलग ब्रीड थी एक्स वाई जेड। उसके बाद मेरे को एक हस्की मिला। फिर मैं हस्की इतना पसंद आया कि सब ब्रीड निकाल दिया और हस्की रखा खाली। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सर का जो कैनल है ना वो रजिस्टर्ड है, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। ये केसीआर रजिस्ट्रेशन का एक कैनल रजिस्ट्रेशन रहता है, ये कैनल रजिस्ट्रेशन है। अभी एक नया नियम रूल आया है उसके हिसाब से AWI का ये रजिस्ट्रेशन है। 2200 स्क्वायर फुट एरिया में बना हुआ कैनल है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर प्लेग्राउंड्स वगैरह बनाए हैं सर ने और काफ़ी सारे हैं। वहाँ पर भी कुछ डॉग्स है सर के फीमेल्स वगैरह और यहाँ पर भी कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। तो गाइस ये है सर की फीमेल्स और यहाँ पर उन्होंने प्लेग्राउंड एरिया दिया है इनको। और यहाँ पर भी देखो प्रॉपर फैंस वगैरह भी लगाए हैं यहाँ पर। फीमेल्स के नाम वगैरह बताइए ना। ये टॉमी है, ओके, बेला, ये नित्या, ओके, ये मैक्सी है, फ्लोरा है, ओके। और ये कितने साल के सर अभी? कितने साल के? सब हाँ सब दो अढ़ाई साल के अंदर ही है सर। ओके दोस्तों, ये जो हस्कीज रहते हैं ना वो जो वुल्फ वगैरह रहते हैं ना उससे काफ़ी सिमिलर लगते हैं। मतलब जैसे कि इनके एंसेस्टर वगैरह तो मतलब वुल्फ ही थे, बाद में वो डोमेस्टिक हो गए और डॉग अभी बन गए। बट इनको जब भी देखता हूँ ना तो वुल्फ की याद आती है मुझे और ये उनकी तरह हाउल भी करते हैं कभी कभी। तो सर आप मुझे इनकी ग्रूमिंग वगैरह के बारे में बताएं, मतलब कितने दिन में करते हो आप? क्या वैसे ब्रशिंग करता है रोज का? ओके रोज की ब्रशिंग वगैरह दो तीन दिन के बाद एक का नंबर आता है क्योंकि रोज तो इतने नहीं होते। करेक्ट करेक्ट, तो दो तीन दिन के बाद ऐसा हो जाता है लाइन अप से। और सर आपने कैनल मतलब ये हेल्पर्स वगैरह भी रखे कैनल पर आपके लिए? हाँ। और सर मुझे आप ये बताइए कि ये जो फीमेल्स वगैरह रहते हैं वो आप मतलब मैच्योर कब हो जाती है? 18 महीने के बाद। और आप साल में इनको मतलब कितनी बार ब्रीड करवाते? एक ही बार ब्रीड करवाते हैं। और सर ये इस प्लेग्राउंड में कितने टाइम खेलते हैं ऐसा रहता है? मतलब दो घंटा मेल, दो घंटा फीमेल, शाम में और सुबह, दोनों टाइम रहते। तो गाइस देखो ऐसा कुछ है इनका प्लेग्राउंड और काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर जो हस्कीज रह रहे हैं ना दोस्तों मैं बता दूँ, अपने 5-स्टार लाइफ जी रहे हैं यहाँ पर। इनके लिए सब कुछ मतलब सर ने बिठा के रखा है कमरे में इनको। आप देख सकते हो पीछे वगैरह एसी वगैरह भी प्रॉपर लगे हुए हैं कैनल सेटअप के अंदर। क्या बात है सर, मुझे आप ये बताइए कि हस्कीज में कितने सारे कलर्स वगैरह आते हैं? कलर तो ब्लैक एंड वाइट आता है, रेड एंड वाइट आता है, ग्रे एंड वाइट आता है, ज़्यादा करके ब्लैक एंड वाइट चलता है। ये रेड एंड वाइट में भी लाइट रेड आता है और डार्क रेड आता है। देखो काफ़ी सारे शेड्स
सर के पास यहाँ पर अभी अवेलेबल है। सर इनके डाइट के बारे में आप थोड़ा बताइए ना फीमेल्स को क्या। फीमेल ये जो माँ बनी है ना इनको प्रेगनेंसी के टाइम तीन टाइम फूड था, कैल्शियम मल्टीविटामिन चालू था। ओके अभी उनको दो टाइम फूड चालू है। क्या बात है। पप्पी को ऊपर का फूड चालू किया ना उसके बाद इनको दो टाइम पे लिया, अभी ये मेंटेन होने के लिए इनको और दो अढ़ाई महीना जाएगा। दोस्तों अभी जो आप फुटेज देख रहे हो वो 10 महीने पहले की फुटेज है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि शायद कुछ लोग नीचे कमेंट करेंगे कि फीमेल जो है वो थोड़ी वीक लग रही है, पर वो दोस्तों इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में इन्हीं के बच्चे हुए हैं और फीमेल्स को प्रॉपर इसी कंडीशन में वापस आने के लिए कुछ मंथ्स का टाइम लगेगा दोस्तों। और जैसे सर ने कहा कि इनकी स्पेशल डाइट चालू है तो प्रॉपर वो इसी कंडीशन में वापस आ जाएंगी। ओके इनको फूड भी जाता है और चिकन राइस भी जाता है। और दिन में कितने टाइम फूड? दो टाइम फूड रहता है। क्या बात है। हेलो देखो कितनी प्यारी फीमेल है ब्लू आइज में, और ये देखो नॉर्मल आइज पपी आइज के भी बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ब्लू आइज ही अच्छे रहते। थंडर की बेटी है, सेम थंडर दिखती है ये। हाँ ये ब्लू आइज है, इसको मेल किया है ब्लू आइज मेट। ओके लेकिन पपी हुए ब्लैक आइज। ओके तो ब्लू आइज का क्या अर्थ क्या रह गया ना। अब ये देखो ये सेम थंडर दिखती है, ग्रेसी नाम है इसका। हेलो ग्रेसी। हाय बेला जाओ दे। सबको अटेंशन चाहिए, सबको अटेंशन चाहिए। ये देखो ऑरेंज, इसको देखो इसको देखो। अरे 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 क्या बात है, काफ़ी खूबसूरत फीमेल से। तो सर ने ना एक प्रॉपर किचन सेटअप भी किया है यहाँ पर कैनल के लिए, फ्रीज़र फ्रिज वगैरह भी रखे हैं, प्यूरीफायर वगैरह प्रॉपर एग्जॉस्ट वगैरह भी है यहाँ पर, प्रॉपर मतलब गैस स्टोव सेटअप किया है। इनके डाइट में मतलब क्या क्या रखते हो? कौन सी चिकन राइस है? ओके और फूड है दो तीन कंपनी का अलग अलग, वो हिसाब से देता हूँ। विनर प्लस का भी नया फूड चालू किया है पपी के लिए। ओके वो भी है। और मेरे पे आप देख सकते हो सर ने अंडे वगैरह भी रखे हैं। फीमेल के लिए अंडे प्रेगनेंसी के टाइम जरूरत रहती है तो उसके लिए कम से कम 4,000 अंडे खिलाए उनको अभी। क्या बात है। और प्रॉपर उनके हर एक का अलग अलग मतलब बाउल वगैरह भी सर ने रखा हुआ है अलग अलग है। ये पपी का फूड है अभी भिगा के रखा है, अभी देना है ना खाने को तो उसके लिए भिगा के रखा हुआ है। ओके तो प्रॉपर इसको मतलब सेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं उसके बाद पपी इसको खिलाते हैं। तो दोस्तों ये है सर का मेन स्टड जिसका नाम है थंडर। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। सबसे पसंदीदा और नाम वाला डॉग यही है थंडर। और सर इसको आपने इंपोर्ट वगैरह किया था? उसके इंपोर्ट किया था, थाईलैंड इंपोर्ट है। ओके हस्की ऑफ द ईयर मिला हुआ है उसको। प्रॉपर कंडीशन में सर ने उसको मतलब वेल मेंटेन रखा है। और इसकी आईज वगैरह भी देखो क्या खतरनाक गजब की मार्किंग वगैरह भी है इसमें। और सर इसको जो हस्की ऑफ द ईयर मिला था उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, मतलब इसके लिए आपने मतलब क्या क्या कहाँ का शो मतलब ऑल इंडिया शो किए थे। ओके सब पूरे इंडिया में घूमे थे वो टाइम। वो शो के पॉइंट के ऊपर रहता है तो मैंने क्या 2 पॉइंट 3 पॉइंट जमा करते करते सब तरफ घूमने लगा था। राजस्थान भी गए थे, दिल्ली भी गए थे, सब तरफ गड़िंगज कोल्हापुर सब तरफ गुजरात। ओके और सर मुझे मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब ये जो अभी स्टड है उसके जैसे अगर किसी हस्की का मतलब फर मेंटेन करना हो तो आप मतलब क्या ऐसा करते? नहीं ऐसे कुछ नहीं, इसका फर ही अलग है। ओके और दूसरा भी आपको अगर फर मेंटेन करना है ना उसको ना ग्रूमिंग डेली का चाहिए। ओके ब्रशिंग रोज का करना चाहिए, उसपे खाने पे ध्यान देना चाहिए, सब चीजें चाहिए। नहीं तो लिया और रख दिया ऐसा करके और इसके जैसा ये चाहिए कंडीशन में चाहिए ऐसे नहीं होता, मतलब डेली का देना भी जरूरत है। यानी पप्पी जो भी लेता है उसने उसको रोज का 1 घंटा देना जरूरी है। और सर आप इसको मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वगैरह भी करवाते हो डेली? शो के टाइम करवाते थे, रोज का 6 किलोमीटर रनिंग था। ओके अभी ग्राउंड को खेलने के लिए छोड़ते है और सुबह एक बार इसको अकेले को खाली ग्राउंड में लाना पड़ता है ऊपर का घुमाने के लिए। दीपक okay. उसको ऊपर घुमा के लेके जाता है फिर वो फ्रेश रहता है। और इसकी डाइट के बारे में थोड़ा बताइए ना, मतलब इसको कुछ नहीं रेगुलर डाइट है, रेगुलर ही है। हाँ, फूड उसको अलग से फूड है, अंडा है और चिकन राइस है। दोस्तों मैं बता दूं कि सर के पास और भी बहुत सारे मेल्स अवेलेबल है इंपोर्ट लाइन के, आप देख सकते हो कि वो कैसे उनके साथ खेल रहे है और वो भी प्रॉपर वेल कंडीशन में दोस्तों उन्होंने रखे हुए है।
प्यारे हस्कीज के पपीज़ मैंने अपनी लाइफ में एक साथ कभी भी नहीं देखे, और टोटल जो है ना दोस्तों 35 पपीज़ यहाँ पर है। हेलो हेलो बड़ी, कैसे हो? हाँ कैसे हो, इतनी गोल मटोल कैसे हो गए तुम? हाँ गाइज, ये नित्या है, छोटी सी, कैनल में सबकी फेवरेट यही है। काफ़ी मटर गश्ती करती हूँ। शेकैन, हेलो हेलो, देखो ये भी आ गया, उसका भाई भी आ गया। अब ये दोस्तों दीपक भाव के साथ खेल रहे हैं, जो कि यहाँ के केयर टेकर है। देखो देखो, चारों तरफ आप देखो, हस्की ही हस्की मिलेंगे आपको यहाँ पर। देखो कैसे खेल रहे हैं, ओके कैसे। इसको देखो इसको देखो। तो दोस्तों अभी मेरे साथ इनके कैनल के कुछ क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से पपीज़ है, तो इनके बारे में सर से जानते हैं। तो सर इनके बारे में थोड़ा बताइए ना, ये अभी कितने दिन के? ये है 55 दिन की। ओके, और वो है 48 डेज के। ओके, और आपके पास अभी टोटल करंटली कितने लीटर्स है? 9 लीटर है। ओके, और टोटल कितने पपीज़ है? 35। क्या बात है दोस्तों, मतलब 35 पपीज़ अवेलेबल है अभी यहाँ पे। सर मैं जो देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पर रिबन वगैरह डाले हर एक अलग अलग कलर के, तो उनका मतलब क्या है? इसका कौन सा है समझ में आने के लिए वो डाला हुआ है। ओके, रेड कलर है, यानी ये हमारे जो फीमेल है, माँ का नाम पे ऊपर वो टैग लगाया हुआ है। ओके, और उसके साथ व्हाइट डालते हैं कि वो मेल है। और सर इन पपीज की डाइट वगैरह क्या रहती है? फूड चालू है उनको, दो कंपनी का, एनएनडी का एक है और एक है। इनके वैक्सीनेशन की प्रोसीजर कैसे रहती है? एक वैक्सीनेशन हो गया है, 29 डे पे पहला वैक्सीन हो जाता है, अभी कल दूसरा वैक्सीन है। ये कितने दिन के बाद मतलब अवेलेबल होंगे? 60 दिन के बाद, 60 डेज के बाद दोस्तों ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो सर मुझे आप बताइए कि ये जो पपीज है इनमें ब्लू आइज कितनी पपीज है और ब्लैक आइज कितनी पपीज है? ब्लू आइज एक भी नहीं है। ओके, सब ब्लैक आइज है और ऑड आइज है। ओके, और मैं आइज के ऊपर पपी बेचता नहीं हूँ, जो भी है साइज के ऊपर और जो पपी क्वालिटी है उसके ऊपर पपी सेल करता हूँ। आइज का इश्यू नहीं रहता मेरे पास, लेकिन लोगों को खाली ब्लू आइज चाहिए, उनको पपी कैसा भी रहने दो, खाली उनको ब्लू आइज चाहिए, तो वो तो मेरे पास नहीं है। अभी मैं साल में एक बार ही ब्रीडिंग करता हूँ जनवरी में। कोई कोई लोग 6-6 महीने वेटिंग में थे, वो है अभी भी कांटेक्ट में। जो नए आ रहे हैं उनको खाली ब्लू आइज चाहिए, तो मैं ब्लू आइज नहीं दे सकता हूँ। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि ये जो पपीज़ है ना, मतलब क्वालिटी पपीज़ है, थंडर की बेटी है दो। ओके, दो तीन बेटी है, उनको डोडोमेट किया हुआ था। ओके, दूसरा मेरा इम्पोर्ट, यानी लाइन थंडर की बोल सकते हैं, पूरी पूरा लाइन थंडर का ही है। वो थंडर भी खुद फीमेल को कुछ किया था, और जो दूसरे फीमेल की है वो थंडर की बेटी है, उसको दूसरा मेलमेट किया था। ओके, और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो सारे पपीज है ना, स्टैंडर्ड पपीज है, मतलब जो स्टैंडर्ड कोट है, उली कोट वगैरह कुछ नहीं, सब बंद कर दिया मैं, अभी कुछ नहीं करता, खाली स्टैंडर्ड कोट। और यही मतलब स्टैंडर्ड कोट के पपीज ही शोज वगैरह में अलाउड रहते हैं? शो में अलाउड रहते हैं, लेकिन मेरे पपी शो में नहीं गए, अच्छे घर में गए, तो मेरे को और खुशी होगी। घर अच्छा मिलना चाहिए, अच्छा घर मिलना चाहिए। सही सही बात कही है सर ने। हर पपी का अपन अलग अलग वैक्सीनेशन रिपोर्ट रखते है। अभी जो पपी हुए उनका ये वैक्सीनेशन रिपोर्ट है, हर एक का अलग अलग है, लीटर के हिसाब से रखा हुआ है। ओके, दो पपी का वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह भी प्रॉपर बना हुआ है, कार्ड बना हुआ है, आप देख सकते हो, सभी पपीज का है अवेलेबल। उनका रिकॉर्ड एक डायरी में मेंटेन करता हूँ, वो एक साल के बाद AWI को भी सबमिट करना पड़ता है। मैं बोला था कलर कोडिंग ऐसा किया हुआ है मैंने। ओके, पपी का दोस्तों आप देख सकते हो, जो आपने बैंड्स वगैरह पपीज के ऊपर देखे थे गले में, तो सर ने वहाँ पर प्रॉपर ये दिखाया कि कौन से फीमेल के वो पपीज है और कौन से फीमेल को कितने पपी हुए, मेल कितने फीमेल कितने, ये भी इसमें लिखा हुआ है। क्या बात है, मतलब पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। और अभी समझो एक उनकी हिट डेट, डिलीवरी डेट, फूड कौन सा चालू है, पपी कौन सा है, वैक्सीन कौन सा हुआ, डिवॉर्मिंग कब हुआ, सब ये भी लिखा रहता है हर एक का अलग अलग। ओके, क्या बात। तो सर ये जो सारे पपीज है वो KCR रजिस्टर्ड पपी विद KCR, तो ये पेपर्स वगैरह भी मिल जाएंगे? हाँ, तो जो भी लेगा वो विदाउट पेपर देता ही नहीं मैं। और सर ये जो KCR पेपर्स होते हैं वो कितने दिन में कस्टमर्स को मिल जाएंगे? 3 या 4 महीने में, कभी कभी लेट हो जाता है कुछ प्रॉब्लम हो, अभी पिछली बार कोरोना था तो 8 महीने के बाद पेपर आए। ओके, अब कभी कभी 2 महीने में भी आ जाते, अगर कुछ नहीं रहेगा क्लियर तो 2-3 महीने में पेपर मिल जाते। तो दोस्तों मतलब आप परेशान मत होइए, अगर आपने पपीज वगैरह लिए तो आपको श्योर शॉट
पेपर अश्योर शुड पेपर कैसे भी देती है, वो भी पेपर रुकाती नहीं, अपन सबमिट किए ना वो भी पेपर लगेज दे देती है। तो सर आपने जो अभी पपीज वगैरह सब दिखाए उनके प्राइजेस के बारे में थोड़ा बताइए ना। 70 से 75 हजार रुपए प्राइस है, लोगों के पास सस्ते मिलते हैं ऐसे ही लोग बोलते हैं मेरे को, लेकिन मैंने लाइन मेंटेन की है, पपी मेंटेन करके सेल करता हूँ मैं। 25 से 30 दिन का पपी सेल नहीं करता मैं, 3-3 महीना पपी संभालता हूँ उसके बाद सेल करता हूँ, कि सब वैक्सीनेशन भी हो जाते हैं कभी कभी, तो उसके लिए मेरा रेट जो है वो है पपी हेल्दी करके बेचने का और पैसा भी वही हिसाब से लेने का। पपी अगर छोटा रहेगा कंडीशन में नहीं रहेगा तो मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ, अच्छी कंडीशन है उसके लिए पैसे मांगता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।